जिले में सोमवार की सुबह मौसम ने करवट बदल ली। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी होने लगी। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश व ठंडी हवाओं ने लोगों को कपकपी का एहसास करा दिया। मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान के ऊपर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुँचा है। इसके प्रभाव की वजह से पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का सिस्टम बन गया, जो मध्य प्रदेश होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक आ पहुँचा और पछुआ हवाओं के साथ छुटपुट बारिश हुई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में छिटपुट बारिश हुई है, लेकिन कहीं से भी कोई जनहानि की सूचना नहीं आई है। एडीएम फाइनेंस ने कहा कि बारिश होने की वजह से ठंड का आगमन हो चुका है, जिसकी तैयारी प्रशासन ने पूरी तरह से कर लिया है। ठंड से बचने के लिए कंबल का टेंडर हो चुका है और इसी सप्ताह कंबल जनपद में आ जाएगा। इसके अलावा ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव जलाने के लिए सभी तहसीलों को धनराशि मुहैया करा दी गई है। ठंड में ठहरने के लिए रैन बसेरों को भी तैयार कर दिया गया है। इस संबंध में गोरखपुर नीज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, आज गोरखपुर जनपद में सुबह से छिटपुट वर्षा हो रही है और अभी तो फिलहाल बंद हो गई है। अब ऐसा लग रहा है कि ठंड अब बढ़ेगी। हम लोगों ने इसके लिए सफिशेंट तैयारी कर ली है। कंबल का हम लोगों ने टेंडर कर लिया है, वो फाइनल हो गया है और कंबल हमारा इसी सप्ताह आ जाएगा। अलाव के लिए तहसीलों को पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रैन बसेरे हमारे तैयार हैं। यहाँ नगर क्षेत्र में 13 रैन बसेरे हैं। इसके अलावा प्रत्येक तहसील और नगर पंचायत में भी रैन बसेरे हैं, तो किसी भी प्रकार की किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ठंड आज से प्रारंभ हो जाएगी थोड़ा थोड़ा। धन्यवाद। बारिश से कोई नुकसान रिपोर्टेड तो नहीं है और संभवतः कोई नुकसान नहीं हुआ होगा।